गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, देखें जरा, थर्ड एप्लीकेशन इज गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट. थिन लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट. टू अंडरस्टैंड अबाउट द डायग्राम, डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा देखें जरा. एक लार्ज मतलब लेंथ, ब्रेथ इनफाइनाइट है, ऊपर भी ऐसे भी इंफिनिटी तक है. थिन है, थिकनेस नेग्लिजिबल है. इस लार्ज शीट का हमें यहां पर फील्ड निकालना है. इसको ड्रॉ कैसे करें? डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से लेके चलेंगे. डायग्राम समझने के लिए ऐसे ड्रॉ करना पड़ रहा है लाइक दिस, बट रियल में शीट ऐसे नहीं, ऐसे रखी हुई हमारे सामने इस तरह से. जितना भी चार्ज इसको सप्लाई करेंगे वो चार्ज कहां लाई करेगा? इस केस में थिकनेस नेग्लिजिबल, थिन शीट है, तो जितना भी चार्ज इसको सप्लाई करेंगे दैट विल लाई ऑन द सरफेस. सरफेस पे लाई करेगा, इसीलिए हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. इस लार्ज शीट की वजह से हमें यहां फील्ड निकालना है. हमें यहां फील्ड निकालना है. जैसे फील्ड निकालें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. सो अप्लाइंग व्हाट? अप्लाइंग गॉस थ्योरम. अप्लाइंग गॉस थ्योरम व्हाट इट इज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू Q enclosed by epsilon naught. ये है. अब तो problem is what? Gauss term से closed surface पे ही apply होगी, लेकिन इस sheet का हमें यहाँ फिर निकालना है, तो open surface है. तो small surface हम यहाँ पे zoom करेंगे इस तरह से, तो ये तो open हो गया, but Gauss term के लिए closed surface चाहिए. To make the closed surface, to make the closed Gaussian surface, जितना डीएस एरिया हमने यहां लिया उतना ही डीएस एरिया सेम डिस्टेंस पे इधर भी लेके चलेंगे. ऐसे जितना इधर डिस्टेंस पे एरिया उतना ही सेम डिस्टेंस पे इधर भी एरिया लेके चलेंगे. दोनों का पूरा कंप्लीट एक क्लोज सरफेस एरिया बनेगा, दैट विल बिकम आवर सिलेंडर. जितना इधर लिया हमने उतना ही डिस्टेंस पे उधर भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा सेम एरिया. क्यों अज्यूम करना पड़ेगा? बिकॉज गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस पे अप्लाई होगी और ये तो ओपन सरफेस है. इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए हमने इस तरह से सेम एरिया इधर भी अज्यूम कर लिया, और टोटल विल बिकम अ सिलेंडर. उसके अंदर ये भी है शीट, इसी के अंदर से पास हो रही इस तरह से. दैट इज क्लोज्ड सरफेस का मतलब है पूरा सिलेंडर. सिलेंडर में कौन कौन? एक फेस ये हो गया, इसे बोलेंगे फर्स्ट फेस, इसे हम बोलेंगे सेकंड फेस, और जो कर्व्ड सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है उसे बोलेंगे थर्ड फेस, थर्ड सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल सिलेंडर. मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस फर्स्ट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंड फेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस थर्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमें सिलेंडर अज्यूम करना पड़ा. दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस फर्स्ट सरफेस. देखें इस शीट इस तरह से रखी हुई है, इसका फील्ड यहाँ पे किधर होगा? अवे फ्रॉम द शीट. यहाँ पे किधर होगा? अवे फ्रॉम द शीट. यानी शीट का यहां पे फील्ड होगा अवे फ्रॉम द शीट, मतलब इधर एरिया इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड.
दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, सो फर्स्ट फेस का फ्लक्स हो जाएगा EDS cos 0, थीटा 0 हो जाएगा, प्लस फ्लक्स अक्रॉस सेकंड फेस में, यहां पे फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द शीट मतलब इधर, इसका एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा, सो इट बिकम्स EDS cos 0, प्लस इस कर्व सरफेस पे फ्लक्स किधर होगा हमें देखना है, यहां पे फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द शीट, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंगल 90, यहां फील्ड अवे फ्रॉम द शीट, एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड थीटा 90, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट, एरिया वेक्टर एंगल 90, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंगल 90, यानी पूरे कर्व सरफेस पे हर जगह थीटा 90 डिग्री है, so it becomes EDS cos 90, cos 90 0, this term becomes 0, equal to RHS same hai Q enclosed by epsilon naught, cos 0 1 EDS plus EDS, it becomes 2 EDS, ye 0 ho gaya hai, equal to 1 by epsilon naught into चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सेम क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस यानी इस सिलेंडर के अंदर चार्ज यहां इसने लाई कर रहा है, नो, सिलेंडर के अंदर शीट, ये सिलेंडर इस तरह से, तो शीट का सिर्फ इतना सा हिस्सा सिलेंडर के अंदर आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, सिलेंडर के अंदर शीट का इस तरह से कुछ पार्ट ही आ रहा है बस, दैट इज पूरा, पूरी शीट नहीं आ रही है, इस तरह से हमने लिया है, यहाँ पे हमने एरिया लिया तो उसके सामने शीट का सिर्फ इतना सा पार्ट है, सो इस इतने से पार्ट में जो चार्ज होगा, इतने से एरिया में जो चार्ज होगा, वो सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड हमें चाहिए था, चार्ज एनक्लोज्ड इन सिलेंडर का मतलब है चार्ज एनक्लोज्ड ऑन दिस पार्ट ऑफ द शीट ओनली, क्योंकि बाकी शीट से इस सिलेंडर से बाहर है, व्हाट डज इट मीन, चार्ज ऑन 1 meter square एरिया इज सिग्मा, चार्ज ऑन 2 meter square एरिया 2 sigma, चार्ज ऑन 5 meter square एरिया 5 sigma, चार्ज ऑन दिस एरिया दिस इनटू सिग्मा, व्हाट इज दिस एरिया, जितना एरिया ये उतना ही एरिया ये, यानी ds, तो चार्ज ऑन दिस एरिया ds इनटू सिग्मा, सिग्मा का यूज स्क्वायर करना आप सबको आ गया होगा, ds इनटू सिग्मा, ds कैंसिलड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स इक्वल टू सिग्मा बाय 2, नीचे आ जाएगा 2 epsilon naught विच इज कॉन्स्टेंट, यहां से हो सकता है क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा हो कि बाकी हर जगह पे इंटीग्रेट कर रहे थे, यहां इंटीग्रेट तो करा ही नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट का जो फील्ड आएगा वो कॉन्स्टेंट है, और फील्ड कॉन्स्टेंट होते इंटीग्रेट नहीं करते, वेरिएबल होते इंटीग्रेट करते हैं, ये हमें यहाँ आके पता चला, वो सभी केस में स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, तो उसी से आपको समझ में आएंगी चीजें, सिलेंडर हमने लेके चले, गॉस्टर अप्लाई की और ये बड़ा आंसर, एडिशनल पॉइंट है फॉर कंडक्टिंग शीट, यदि यहीं पे नॉन कंडक्टिंग की जगह कंडक्टिंग शीट हो तो क्या चेंजेस आएंगे, कंडक्टिंग शीट में यहाँ पे जो पार्ट होगा इक्वेशन फर्स्ट जो होगी इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इधर तो है 2E into ds, LHS same 2E into ds equal to कंडक्टिंग शीट होगी तो 1 by epsilon naught into चार्ज एनक्लोज्ड में चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आएगा मैं बता देता हूँ, नॉन कंडक्टिंग थिन शीट है तो जो चार्ज यहाँ है, जो चार्ज यहाँ पे है वो वही यहाँ फील्ड क्रिएट कर रहा है, वही यहाँ फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि थिकनेस इसकी है ही नहीं, लेकिन कंडक्टिंग शीट आ गई तो कितना भी थिन क्यों ना हो यहाँ चार्ज अलग होगा, यहाँ चार्ज अलग होगा, कंडक्टर में नॉन कंडक्टर में नहीं, नॉन कंडक्टर में वही चार्ज इधर से दिखेगा, वही चार्ज इधर से दिखेगा, थिन में,
बट कंडक्टिंग शीट में कितना भी थिन क्यों ना हो, यहाँ चार्ज अलग होगा, यहाँ चार्ज अलग होगा। सो यहाँ एरिया ds में कितना चार्ज, ds इनटू सिग्मा, उतना एरिया यहाँ भी अलग, यहाँ चार्ज अलग है, सो ds इनटू सिग्मा। दिस टर्म बिकम्स 2ds इनटू सिग्मा, दिस टर्म बिकम्स 2ds इनटू सिग्मा। ds ds 2 2 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉन्स्टेंट अगेन। यानी नॉन कंडक्टिंग शीट हो या कंडक्टिंग शीट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है बट इसमें सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द केस ऑफ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये तीन एप्लीकेशन ही हमारे सीबीएसई सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर, सेकेंड इज स्फीयर, थर्ड इज लार्ज शीट। दैट इज, थैंक यू।